नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं निमित न्यूज। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने बयानों की वजह से हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती है। मोदी सरकार से नफरत में स्वरा भास्कर अपनी हदें ही पार कर देती है। अब एक बार फिर से स्वरा भास्कर ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से वो लोगों के निशाने पर आ गई। दरअसल स्वरा भास्कर ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके साथ उनकी बेटी भी नजर आ रही है। अब स्वरा ने इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही भगवा को लेकर कुछ ऐसा लिखा है कि वो एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आ गई। लोग जमकर एक्ट्रेस की क्लास लगा रहे हैं। बता दें कि स्वरा भास्कर ने इंस्टाग्राम पर गणेश चतुर्थी के मौके पर वीडियो शेयर किया। इसमें वो गोल्डन और भगवा रंग की साड़ी पहने पोज देती हुई नजर आ रही है। अब इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ स्वरा ने भगवा रंग को लेकर टिप्पणी कर दी। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट पर लिखा, गणपति सीजन भगवा कपड़ों पर अच्छा लगता है, राजनीति में नहीं, गणपति बप्पा मोरिया। अब स्वरा भास्कर के इस पोस्ट पर बवाल मच गया है। लोग जमकर उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। जिस तरह से गणेश चतुर्थी की आड़ में स्वरा भास्कर ने भगवा को लेकर जो बयान दिया है उसकी वजह से वो बुरी तरह से फंस गई है। ये सभी जानते हैं कि मोदी सरकार हिंदुत्व को काफी महत्व देती है। वहीं बीजेपी भगवा रंग को काफी ज्यादा मानती है क्योंकि भगवा रंग भारतीय धर्म हिंदू बौद्ध जैन सिख और अन्य पंथ में इसका बहुत महत्व है। हिंदुओं के लिए भगवा पवित्र रंग है। ये त्याग बलिदान ज्ञान शुद्धता और सेवा का प्रतीक है। बीजेपी पार्टी के लिए भगवा रंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब स्वरा ने सरकार पर तंज कसते हुए कह दिया है कि भगवा कपड़ों पर अच्छा लगता है, राजनीति में नहीं। एक यूजर स्वरा भास्कर को लताड़ लगाते हुए लिखते हैं, बहन तू नहीं सुधरेगी, तुझसे ज्यादा कौन भगवान को पॉलिटिक्स में लेकर आता, बहन तुम हिंदू नहीं हो जो हिंदू त्यौहार पर कमेंट कर रही हो। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, वामपंथन पे केवल हरा रंग अच्छा लगता है, वही पहनो तो। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, नेम तो चेंज कर लीजिए मोहतरमा। एक और यूजर लिखते हैं, भगवान को तुमसे ज्यादा कौन राजनीति में लाता है। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, सबसे घटिया औरत की सबसे घटिया सोच। एक और यूजर लिखते हैं, लेकिन ये बता तेरा पति तुझे घर में गणपति रख कर पूजा करने देता है क्या, क्योंकि तू वही है ना जो हिंदुओं के खिलाफ इक्वालिटी के शंख बजाती थी, अब कहां गई तेरी इक्वालिटी। इतना ही नहीं, एक और यूजर लिखते हैं, आपने बुर्का क्यों नहीं पहना। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, बेशक एक असफल अभिनेत्री कुछ फुटेज हासिल करने के लिए पूजा पर राजनीति करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, फिर भी राष्ट्र विरोधी ही लग रही है। तो देखा आपने, लोग किस कदर स्वरा भास्कर को ट्रोल कर रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब स्वरा भास्कर अपने बयान की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आई हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों के कारण बुरी फंस चुकी है। स्वरा भास्कर के पास फिलहाल कोई काम नहीं है। मां बनने के बाद से ही एक्ट्रेस ने फिल्मों से फिलहाल के लिए दूरी बना ली है। कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि विवादित बयान देने की वजह से उनके करियर पर काफी बुरा असर पड़ा है। बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद हो चुका है। एक्ट्रेस ने पॉडकास्ट में ये भी खुलासा किया था, अपने बयानों के चलते लगातार विवादों में नाम जुड़ते रहने के कारण अब इंडस्ट्री ने मुझसे पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री में बहुत से प्रोड्यूसर्स के लिए तो मैं अछूत हो गई हूँ। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द मेरे शुभचिंतकों और डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोस्तों के हैं जिन्होंने कॉल करके मुझे खुद बताया। उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टूडियो में जैसे ही मेरा नाम लिया जाता है सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्वरा आगे कहती है, एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बताया कि उन्हें कई बार स्वरा जैसी एक एक्ट्रेस के लिए ब्रीफ मिल चुकी है, लेकिन जब वो पूछती है कि उन्हें क्यों नहीं कास्ट किया जाता तो उसने बताया कि वो कहते हैं कि उसे कास्ट करने पर कॉन्ट्रोवर्सी होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राह चलते मिलने पर एयरपोर्ट पर मुझे सपोर्ट करने की बात कहते हैं। मेरे बहुत सारे शुभचिंतकों को लगता है कि मैंने खुद से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मेरी खुद की टीम सहित बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आपने गलत किया है, आपने अपना करियर खत्म कर लिया है, आपने ऐसा क्यों किया। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, चिंता करते हैं, वो उनसे ये सवाल करते हैं क्योंकि उन्हें ये सब देखकर बुरा लगता है। बता दें कि स्वरा भास्कर आखिरी बार 2022 में रिलीज हुई जहां चार यार में नजर आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। फिलहाल तो एक्ट्रेस के बयान ने बवाल मचा दिया है जिसकी वजह से उनकी जमकर फजीहत भी हो रही है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।